सीओ कैंट योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ दीवानी न्यायालय परिसर का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर के सुरक्षा का जायजा लिया गया है और ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि न्यायालय परिसर में आने वाले हर व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए और अधिवक्तागणों का आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जाए। अब न्यायालय परिसर में 1 नंबर व 3 नंबर गेट से ही आम जनता प्रवेश कर पाएगी। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी गेट व एडीजी गेट मजार गेट से सिर्फ अधिवक्ता गण ही दीवानी न्यायालय में प्रवेश कर सकेंगे। मजार की तरफ बने 2 गेटों में से 1 गेट को बंद करा दिया जाएगा। खुले गेट से अधिवक्ता गण को प्रवेश दिया जाएगा। आई कार्ड दिखाने के बाद इन 3 गेटों से किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दिया जाएगा। इस अवसर पर COLIO राहुल पंकज, कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये एक रूटीन चेकअप था जो न्यायालय सुरक्षा समिति एक बनी हुई है, उनके जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा इंस्पेक्टर कैंट, COLIO सभी और डॉग स्क्वाड और जो भी हमारी अन्य टीमें थी उनके साथ में मिलकर न्यायालय परिसर की चेकिंग की गई। जितने भी गेट थे वहाँ पर चेक किया गया। उसके अलावा जो कचहरी परिसर था पूरा, नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग, उनको चेक किया गया, जिससे कि कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति वहाँ मौजूद है या नहीं है। तो सभी कुछ फिलहाल सही पाया गया है वहाँ पर। सर, देखा जा रहा है कि आजकल अपराधी अपने आप को सरेंडर करने के लिए वर्दी, वकील की वर्दी या बुर्का पहने, किस तरह कर सर, किस तरह आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक इंतजाम? हमारे यहाँ गोरखपुर जो कचहरी है उसमें 1 नंबर और 3 नंबर जो भी सामान्य व्यक्ति हैं वो 1 नंबर और 3 नंबर गेट से ही उनकी एंट्री हो रही है। जो भी अधिवक्तागण है, जो भी पिछली मीटिंग हुई थी सुरक्षा समिति की, उसमें एक एजेंडा पारित किया गया था, जो बार के अध्यक्ष महोदय थे उनके द्वारा ये प्रस्ताव सबके द्वारा रखा गया, उनके द्वारा माना भी गया था कि जो भी अधिवक्तागण हैं वो अपना जो आई कार्ड है वो अपने पास रखेंगे, अगर उनसे मांगा जा रहा है तो वो अपना आई कार्ड दिखा देंगे। ये क्योंकि कोर्ट परिसर में जो अधिवक्तागण हैं वही रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। तो सबसे ये अपील भी की जा रही है कि जो भी अधिवक्तागण हैं वो अपना कार्ड अपने पास रखें और मांगे जाने पर उसे दिखा दें। सर, बात करें तो सुरक्षा के सीसीटीवी कैमरे की सर निगरानी किस तरह, सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाए? टोटल कोर्ट परिसर में 85 कैमरे लगे हुए हैं। एक हमारा जो सेंट्रल कमांड रूम है वो बनाया गया है, वहाँ पर 2 व्यक्ति परमानेंट रहते हैं जो वॉच करते रहते हैं कि उनको अगर कोई संदिग्ध दिखाई पड़े, व्यक्ति बहुत देर से बैठा हुआ है या इधर उधर कुछ भी संदिग्ध दिखाई पड़ेगा तो तुरंत वो उनके पास सेट रहता है। मोबाइल नंबर सभी के जो भी कर्मचारी वहाँ पर नियुक्त है उनके हैं, वो तुरंत उनको सूचित करते हैं तो उसकी चेकिंग की जाती है।